बस ऐसे ही बैठे थे, शौक था, कुछ नया करने की इच्छा थी तो कुछ बनाने का इच्छा था, सोचा कि जैसा बनाया जाए कि मतलब जो लोग देख के आकर्षित हो, बस उसी के चलते बनाना शुरू किया। और बनाने का शुरू किया तो उसको धीरे धीरे करते करते चला, बस काफी समय बीता, तो 6 साल समय हमें लगा इसको तैयार करने में, 6 साल में जाके आपके सामने तैयार हुआ। ताज नगरी में चल रहे ऑल इंडिया एक्सपो 2023 के प्रदर्शनी में देश भर से आए ज्वेलर्स ने अपने खरीदारों के लिए अजीबोगरीब सोना चांदी से बने उत्पाद प्रदर्शनी में रखे हैं। ये प्रोडक्ट्स लोगों को हैरान तो कर रहे हैं, साथ ही ऐसी जानकारी भी दे रहे हैं जो इससे पहले शायद ही लोगों ने देखी सुनी होगी। ऐसे में ही एक रथ है जो इन दिनों एक्सपो की शान बना हुआ है। आगरा नमक मंडी के सराफा कारोबारी वी ज्वेलर्स ने महाभारत से प्रेरित होकर सोना चांदी, जवाहरात, रति, हीरा, मानक पन्ना, रियल मोती से कपिध्वज रथ बनाया है। यह रथ देखने में बेहद आकर्षक है। प्रदर्शनी में घूमने आने वाले लोगों के कदम रथ को देखते ही रुक जाते हैं। वी ज्वेलर्स के मालिक विकास आनंद बताते हैं कि इस रथ को बनाने का आइडिया महाभारत से आया था। महाभारत में अर्जुन ने जिस रथ का इस्तेमाल किया था वह कपिध्वज था, जिस रथ के भगवान श्री कृष्ण सारथी थे। कपिध्वज जो था महाभारत का, महाभारत से इंस्पायर होकर ही बनाया है, जिसमें कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन जी को, तो उसी थीम के ऊपर पूरा रथ बनाया है। और ऊपर जो हनुमान जी बैठे हैं ध्वजा लेके, इसमें लगभग 40 कारीगरों ने काम किया है और इसमें करीब 8,333 कैरेट माणक पन्ने, हीरे मोती इसमें लगे हैं। टोटल ओरिजिनल स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर सोना चांदी हीरे माणक पन्ने मोती ये सभी का इस्तेमाल किया गया। ये नॉट फॉर सेल रखा है, इसमें लागत इतनी लग गई है, बनाने में मेहनत इतनी लग गई है, कोई ऑर्डर देगा तो बनाना संभव नहीं है। और जब किसी चीज़ को बनाना दोबारा संभव नहीं है तो उसकी लागत तो मूल्य तो बेशकीमती हो जाती है, उसका तो आकलन अभी मैंने किया नहीं है।